हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन टू डिजिटल वैज्ञानिक मायसेल्फ मानविंद्र चौधरी। एंड आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम देखने वाले हैं अपने वूकॉमर्स जो हमारी साइट हम बना रहे थे उसमें आप अपने प्रोडक्ट्स में टैक्स कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि आप अपने वेबसाइट में टैक्स रेट कैसे अपने वेबसाइट में, यानी कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर टैक्स रेट कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको वूकॉमर्स में कुछ सेटिंग करनी रहेगी। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, आपको यहाँ पर वूकॉमर्स का टैब एक नजर आ जाएगा, उसमें आपको सिंपली सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। सेटिंग्स में आने के बाद आपको एक टैक्स वाली कॉलम है उसे इनेबल करना रहेगा। सबसे पहले तो एक बार हम सेटिंग में आ जाए, उसके बाद हमको यहाँ पर ये हमारा एड्रेस है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन इनेबल टैक्सेस, ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप इसे आपके में ये ऑप्शन अनटिक है तो आप इसे सिंपली टिक कर दीजिए, और नीचे आने के बाद आप सिंपली सेव चेंजेस पर क्लिक कर सकते हैं। और सेव चेंजेस एक बार हो जाए उसके बाद आप सिंपली आपकी साइट को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट का कॉलम नजर आ जाएगा। अगर आपके में ये पहले से नजर आ रहा था इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहले से इनेबल था। तो सिंपली हम यहाँ पर टेक्स्ट के कॉलम में आ जाते हैं। टेक्स्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रेट्स करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड रेट, रिड्यूस रेट एंड जीरो रेट, कुछ यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बट हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा जीएसटी रेट यहाँ पर इंक्लूड हो, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा जीएसटी। इस तरह से मैंने जीएसटी लिख दिया है और इसे मैं सिंपली 118% लिख देता हूँ एक बार को, क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ये हम यहाँ पर सिर्फ इसका नेम दे रहे हैं और कुछ नहीं। मैंने हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए से यहाँ पर 18% लिखा है और कुछ नहीं। आप यहाँ पर सिंपली आप जीएसटी भी लिख सकते हैं या फिर आपका जिस टाइप का रेट है आप उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए। और फिलहाल हमें इस रिड्यूस रेट एंड जीरो रेट इन दोनों चीजों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तो इन दोनों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और सिंपली मैं जीएसटी 18% ही रहने देता हूँ। इतना होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी इनेबल या फिर डिसेबल नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए आपको राउंड टैक्स एट सब टोटल लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ काउंटिंग पर लाइन, इसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर जो जीरो रेट और बाकी रिड्यूस रेट दिख रहा था वो दोनों डिसेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड रेट और उसके बगल में एक जीएसटी 18% रेट देखने को मिल जाएगा आपको। तो हम इसे सिंपली, अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिंपली स्टैंडर्ड, अगर आपको इसे नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इसे इतना रहने देते, आप सिंपली स्टैंडर्ड रेट के अंदर भी इसे सेट कर सकते हैं। बट हमने एक अलग से कॉलम क्रिएट कर लिए ताकि हमें पता चले कि हम यहाँ पर कौन कौन से रेट अप्लाई कर रहे हैं। आप ये सेम लॉजिक यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट हम क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी तकलीफ ना हो कि आपको यहाँ पर कुछ भी, अगर आपको कुछ चेंज करने की जरूरत पड़े तो आपको कोई तकलीफ ना हो कोई चीज फाइंड करने में। तो चलिए यहाँ पर हमको देखिए एक इंसर्ट रो बटन देखने को मिलेगा। इंसर्ट रो बटन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा हमको यहाँ पर कंट्री कोड, स्टेट कोड और ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और हमको यहाँ पर सबसे पहले तो जीएसटी हमको दो तरह की होती है, एक होती है सी जीएसटी और एक होती है एस जीएसटी। तो सबसे पहले हम सी जीएसटी इंक्लूड कर लेते हैं। हमारा कंट्री कोड है IN क्योंकि हम इंडिया में है, तो मैं सिंपली यहाँ पर एक बार IN लिख देता हूँ। IN इंडिया ये रहा, हमने यहाँ पर IN लिख दिया। उसके बाद हमारा स्टेट कोड, क्योंकि हम ये सेंट्रल लेवल पर कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टेट कोड अप्लाई नहीं होगा। पोस्टल सिटी रेट इसको भी हमें रहने देना है। यहाँ पर रेट में हमको सिंपली लिख देना 9%, क्योंकि गुड्स के ऊपर 18% हमारा जो हमारे गुड्स हैं उस पर 18% टैक्स लगता है, तो उसे हम यहाँ सब सिंपली लाइन 9 कर देंगे। अगर आपके केस में आप कोई और तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रेट को रखिए। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 9 कर दिया है। उसके बाद टैक्स नेम, टैक्स नेम में हमारा है सी जीएसटी, टैक्स नेम में हमारा सी जीएसटी और प्रायोरिटी ए। ये प्रायोरिटी वाली चीज मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उसको आपको नहीं करना है। उसके बाद कंपाउंडिंग एंड शिपिंग, उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। इन दोनों कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है, इस वाली कॉलम को कंपाउंड वाली कॉलम को ऐसे ही रहने देना है और शिपिंग में ऐसे अनटिक कर देना है। इतना होने के बाद ये तो हमारा हो गया सेंट्रल लेवल पे। उसके बाद हम एक और इंसर्ट रो करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे अपने स्टेट लेवल के लिए जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए आपको मैं सिंपली, जैसे कि गुजरात में रहता तो मैं सिंपली जीजे लिखूंगा। जीजे आने के बाद यहाँ पर मैं स्टेट कोड, सॉरी यहाँ पर हमारा इंडिया ही आएगा, यहाँ पर IN आएगा। IN के लिए मैं यहाँ पर सिंपली इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जीजे हमारा गुजरात का जीजे, उसके बाद पोस्टल कोड सिटी ऐसे ही रहने देते। और रेट में हो गया हमारा 9%, यहाँ पर हम लिख देते हैं SGST। इतना होने के बाद आपको इसे सिंपली 2 कर देना है और यहाँ पर शिपिंग को इनेबल कर देना है। ये हो गया हमारे दो। तीसरा हम एक और इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर एक यूपी लेता हूँ, यूपी
यहाँ पर हमको आईएन ही लेना है, ये हमारा कंट्री के लिए, यूपी तो हमको नीचे लेना होगा। सिंपली मैंने आईएन कर दिया और यहाँ पे लिख दूंगा यूपी, दूसरे यहाँ पे पोस्टल कोड सिटी, और इसे हमें नो कर देना है। यहाँ पर हमें लिखना है फिर से सीजीएसटी नहीं सॉरी, हमको यहाँ पर लिखना है एस, यहाँ पर हमको लिखना है एसजीएसटी। एसजीएसटी हो जाने के बाद हमको यहाँ पर एक बार इसे हटा कर दो कर देना और यहाँ पर शिपिंग को रहने देना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और इंसर्ट रो, एक बार हम यहाँ पर राजस्थान ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक बार राजस्थान ले लेते हैं, इसे इंडिया सिलेक्ट करते हैं। राजस्थान का कोड है आरजे, यहाँ पर इनको कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिख देना नो, फिर से एस जी एस टी, अगेन यहाँ पर हम फिर से दो लिखेंगे और उसके बाद सिंपली इसे यहाँ रहने देंगे। एक और रो इंसर्ट कर लेते हैं, अगेन इंडिया लिख देंगे, यहाँ पर इंडिया का कोड आई एन, उसके बाद इंडिया सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लिखेंगे एम एच, एम एच होता है महाराष्ट्र के लिए। उसके बाद हम इन दोनों को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 9%, इसका होगा एस जी एस एस जी एस टी, एंड इसे भी हम सिंपली दो कर देंगे और इसे इतना रहने देंगे। उसके बाद हम सेव चेंजेस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया है। सबसे पहले देखिए ऑल इंडिया में होगा, इनकी इसलिए हमने यहाँ पर ये तीन नहीं लिखा। ऑल इंडिया के लिए 9% जीएसटी लगेगा, यानी कि सेंट्रल लेवल का, और वो प्रायोरिटी वन, यानी कि ये अप्लाई होगा, फिक्स है यहाँ पर, और शिपिंग हमें इसे डिसेबल कर रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंडिया, और ये सारे हमारे स्टेट है, यानी कि स्टेट लेवल पर जीएसटी लगेगा, वो है अगेन 9%, यानी कि टोटल हो जाएगा 18% हमारा जीएसटी, ये सीए जीएसटी एंड एस जीएसटी दोनों। अब इन सबको मैंने एक क्यों किया, इन सबको दो दो क्यों किया, इनका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर एक का मतलब ये है प्रायोरिटी, यानी ये वाला तो हमारा जो इंडिया के लेवल पर है सी जी एस टी, ये कंपलसरी लगेगा ही, और इनमें यानी मैंने दो दो क्यों किया है, तो इनमें से कोई भी एक ही अप्लाई होगा। अगर इसमें से मैं किसी को एक कर दूंगा तो हमारे इस या इसमें से कोई एक अप्लाई होगा, और प्लस इन तीनों में से कोई अप्लाई होगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एक नया क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगेन मैं इंडिया लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिल्ली, इस तरह से दिल्ली लिख दूंगा, और यहाँ पर मैं अगेन 9% कर दूंगा, और इसे एक बार मैं सी जी एस टी लिख देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं इसे 3 कर दूंगा और इतना सेव चेंजेस पर क्लिक करूंगा तो हमारे यहाँ पर हो जाएगी गड़बड़। देखिए यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले तो इंडिया लेवल का ये वाला हमारा जीएसटी ले लेगा एक बार 9%, फिर उसके बाद इन तीनों में से जहां से भी हमारा ऑर्डर होगा, इन चारों में से कोई भी एक जीएसटी लेगा, वो 9% प्लस हो गया 18%। अगर आपने यहाँ पर हमने यहाँ पर जैसे कि 3 किया, यानी कि प्रायोरिटी नंबर 3 है, तो इसको भी बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा क्योंकि यहाँ पर हमने 3 किया है। अगर मैं अगेन इसको 2 रखूंगा तो इन पांचों में से कोई एक लेगा, अगर मैं इसे 3 करूंगा तो इन चारों में से कोई एक ये और एक, यानी कि ये 3 ले लेगा। तो इतना हमको नहीं करना है सिंपली, हमको इसलिए इसे हमने 2 रखा है, इन सब चैनल को 2 रखा है, ये प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। हमने ये वाली चैनल एक बार सिलेक्ट किए और इसे हम एक बार यहाँ पर 2 कर देते हैं, एंड अगेन हम यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा जीएसटी कोड आपकी वूकॉमर्स की सेटिंग्स के अंदर इंप्लीमेंट करने का। अब आपको इसे अपने प्रोडक्ट लेवल पर यहाँ पर जीएसटी को इंक्लूड करना रहेगा, तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो प्रोडक्ट में ये वाली चीज हमको अप्लाई करने की, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके प्रोडक्ट में आ जाना होगा, तो मैं सिंपली ऑल प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। ऑल प्रोडक्ट में क्लिक करने के बाद तो देखिए मैं यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट वाले पेज पर आ चुका हूँ, और प्रोडक्ट वाले पेज पर आते ही हमको यहाँ पर सबसे पहले वाली पोस्ट जो हमने वेब डेवलपमेंट वाली पोस्ट यहाँ पर की थी उसे हम ओपन कर लेते हैं और एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या हमको फिलहाल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का एक कोर्स जो यानी कि एक सर्विस है, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट करके देता हूँ मैं, उसकी प्राइस है 6000 रुपये। अगर आप एक नॉर्मल सी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, अगर आप एक वेबसाइट बनवाना चाहते हैं यहीं पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कोई बनाने वेबसाइट बनवानी है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे मेल आई डी दी होगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेल आई डी मिल जाएगी, वहाँ से आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 6000 में कुछ इस तरह का प्राइस है, तो हमारा फिलहाल प्राइस है 6000 रुपये। उसे हम सिंपली एक बार ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट करते ही एक बार हम इसे व्यू कार्ट करेंगे। व्यू कार्ट में आने के बाद हमारा एक कोई प्रोडक्ट पहले से एडिट है, उसे हम फिलहाल रिमूव करते हैं, और अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपडेट कार्ट के अंदर, और सिंपली मैं प्रोसीड चेकआउट के बटन पर क्लिक करूंगा। प्रोसीड चेकआउट के बटन पर आते ही हमको यहाँ पर देखिए सब टोटल दिख रहा है 6000 रुपये, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी भी किसी भी तरह का जो है टैक्स इंक्लूड नहीं किया है। सिंपली मैं इसे क्विक एडिट मोड में ओपन कर लूंगा। क्विक एडिट पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा हमको यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो आपको टैक्स स्टेटस देखने को मिलेगा। टैक्स स्टेटस में यहाँ पर हमारा नन है,
तो मैं सिंपली यहाँ पर टैक्सेबल कर देता हूँ, यानी कि इस पर आप कोई भी टैक्स लगेगा, और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा टैक्स क्लास, इस पर कौन सा टैक्स लगेगा। फिलहाल यहाँ पर ऑलरेडी स्टैंडर्ड सिलेक्टेड है, बट जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि हमने यहाँ पर किसी भी तरह का स्टैंडर्ड, जो हमारी एक कॉलम थी उसके अंदर किसी भी तरह का टैक्स नहीं, इनपुट वैल्यू नहीं की थी, तो इसलिए हम यहाँ पर हमने एक नई कॉलम क्रिएट की थी, उसका नाम था 18% जीएसटी 18%। ये वाली वैल्यू यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज एंटर की थी, जैसे कि हमने गुजरात के लिए और बाकी सारे स्टेट्स के लिए कुछ वैल्यूज एंटर की थी, तो उनमें हमारा जीएसटी था 18%, 6% हमारा सीजीएसटी था, अरे सॉरी 9% हमारा सीजीएसटी था एंड 9% एसजीएसटी दो थी। तो हम यहाँ पर सिंपली एक बार से अपडेट बटन पर क्लिक कर देते हैं। देखिए हम अभी भी आप देख लीजिए, यहाँ पर किसी भी तरह का जीएसटी, किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा हुआ है। ये हमारा चेकआउट पेज है और ये हमारा देखिए एडिट होकर सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है पोस्ट। अब हम इसे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, और रिफ्रेश हो जाते ही हम देख लेते हैं कि हमारे पोस्ट में क्या सारे चेंजेस आए हैं। तो हम एक बार नीचे आएंगे, यहाँ पर देख लीजिए सीजीएसटी 540 रुपये, एसजीएसटी 540 रुपये, हमारे यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही ऐड हो चुका है। अगर आपको याद हो तो हमने गुजरात के लिए एक टैक्स ऐड किया था, उसके बाद हम ये देख लेते कि हमने एक दिल्ली के लिए भी टैक्स ऐड किया था। तो एक बार हम दिल्ली लिख कर देख लेते हैं दिल्ली में हमारा क्या दिखता है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया दिल्ली, तब भी हमको इतना ही दिखा रहा है, मे बी हमको इसे पेज को रिफ्रेश करना पड़े। एक बार मैं यहाँ पर कुछ भी जो मैंने यहाँ पर जिसकी मैंने इसका कोई भी तरह का टैक्स ऐड नहीं किया था, तो हम इसे ऐड करके देख लेते हैं। ओके, तो हमको शायद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ही हमारा ऐड होगा, वरना यहाँ पर ऐड नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारी हो गई रिलेटेड टैक्स। अगर आपकी वेबसाइट में आप टैक्स ऐड करना चाहते हैं किसी तरह का, तो उसकी बात हो गई। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो है, बात करते हैं जैसे कि आपका शिपिंग एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस के हिसाब से आप अपने जो आपकी शिपिंग चार्जेस है वो लगाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, नीचे देखिए शिपिंग का एक ऑप्शन है। आप जब वूकॉमर्स की सेटिंग में आ जाएंगे तो आपको एक शिपिंग ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली शिपिंग पर क्लिक करना है और आपके शिपिंग वाला टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो एक बार उसे ओपन हो जाने दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे हमको एक शिपिंग एड है, इसे एक बार मैं डिलीट करता हूँ और आपको स्टार्टिंग से एड करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सिंपली ऐड शिपिंग जोन पर क्लिक कर देना है। ऐड शिपिंग जोन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आपका शिपिंग जोन लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकल। एक बार को मैं यहाँ पर लोकल लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया लोकल एरिया, लोकल एरिया। और शिपिंग जोन क्या होगा, गुजरात, गुजरात के अंदर। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये, मैं जैसे कि गुजरात में रहता हूँ और क्योंकि हमारा बिजनेस गुजरात में है, और उसके अंदर हमको यहाँ पर बिल्कुल फ्री टैक्स रखना है, यानी कि किसी भी तरह की शिपिंग चार्जेस नहीं लेना है। तो सिंपली हम यहाँ पर ऐड शिपिंग मेथड पर क्लिक करेंगे और ये शिपिंग चार्जेस जो है अप्लाई हो जाएंगे फ्री। एक बार मैं फिर से इसे एक बार फिर मैं इसे ओके, अब ये ऐड हो चुका है और हमको यहाँ पर देखिए सेव चेंज हो चुका है। उसके बाद देखिए जैसे मैं यहाँ पर एडिट करूँगा, तो देखिए यहाँ पर फंडा ये है कि अगर आपके साइट पर से किसी भी तरह का प्रोजेक्ट प्रोडक्ट कोई बाय करता है, कोई ऑर्डर करता है, तो वहाँ पर उसको फ्री शिपिंग चार्जेस देखने को मिलेंगे। उसी तरह से हम यहाँ पर कुछ और एरिया ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस शिपिंग जोन का नाम लिखूंगा मैं नेशनल, और यहाँ पर हमको शिपिंग रिलीजियन लिख देना सर, जैसे कि मैं लिखूंगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है दिल्ली, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर चेन्नई, देखते हैं यहाँ पर दिखता है या नहीं। ओके, चेन्नई यहाँ पर नहीं है। हम देख लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश, एंड हम यहाँ पर देख लेते हैं मुंबई अवेलेबल नहीं है क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आ गया है। ये दिल्ली रिमूव हो गया था, इसलिए एक बार हम दिल्ली फिर से एक बार ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा दिल्ली। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जैसे कि कुछ आ जाता है, जैसे कि पंजाब, पंजाब हम ऐड करेंगे। इसी तरह से आपके जो भी शिपिंग रिलीजियस है, जिस जिस स्टेट में आप यहाँ पर प्रोवाइड कराते हो, उन स्टेट के नाम दे देने। और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया नेशनल, और नीचे में जैसे एक बार नीचे एक बार आऊंगा, यहाँ पर हमको लिख देना है फ्लैट रेट, एंड यहाँ पर सिंपली मैं ऐड मेथड पर क्लिक कर दूंगा। तो ये तो हम आ गई हमारी हो गई दो मेथड यहाँ पर ऐड कर दिए। अब यहाँ पर आपको सिंपली एडिट बटन पर क्लिक करना है और आपको कितने फ्लैट रेट रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ, जिससे हमारे जो है शिपिंग चार्जेस फ्लैट 50 रुपीज हो जाएंगे यहाँ पर। इसमें क्या है कि जैसे ही हमने यहाँ पर एक बार फिर से मैं हमारे शिपिंग जोन्स के अंदर आ जाता हूँ,
और यहाँ पर हमने दो तरह के शिपिंग जोन ऐड किए हैं। सबसे पहला हमारा है लोकल एरिया, उसके बाद है नेशनल। लोकल एरिया के अंदर जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, जिस स्टेट में हमारा बिजनेस है, उस स्टेट को सिर्फ मैंने गुजरात को ही ऐड करा है। और नेशनल के अंदर हमने जिस जो कि हमारे गुजरात से बाहर के जो भी स्टेट अपनी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, उन सारे स्टेट्स को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। आपके केस में हो सकता है पूरे इंडिया में डिलीवर करते हो, तो आपको पूरे इंडिया में जितने भी सारे स्टेट्स हैं उन सबको फाइंड करना है और यहाँ पर ऐड करना है। और उसमें आपको सिंपली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिपिंग का जो मेथड है उसको एडिट करने के बाद आपको शिपिंग के रेट लिख देना है। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर फ्लैट 50 रुपीज, तो यहाँ पर एक बार मैं एडिट मोड में आ जाता हूँ, आपको एक चीज और यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लोकल एरिया वाले को एडिट यहाँ पर करूंगा और नीचे आ जाऊंगा, एक बार मैं शिपिंग फ्री शिपिंग मेथड वाले को यहाँ पर एडिट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए फ्री शिपिंग रिक्वायर्स, तो यहाँ पर जैसे कि आपको दोस्तों करना है, जैसे कि आपकी साइड से अगर कोई मिनिमम 500 रुपीज का कुछ भी बाय करे तो ही उसे फ्री शिपिंग आप प्रोवाइड करेंगे, वरना नहीं। तो इसके लिए आपको सिंपली एनए पर क्लिक करना और यहाँ पर ए वैलिड फ्री शिपिंग कूपन इस पे कर सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट और क्यू और कूपन एंड मिनिमम मिनिमम ऑर्डर अमाउंट एंड कूपन, इन सब का मतलब क्या है? अगर बंदे के पास वो कूपन है, कोई किसी तरह का कूपन है जो कि हमने डिस्काउंट कूपन प्रोवाइड किया है, अगर वो लगाएगा तो वो फ्री हो जाएगा। अगर उसका मिनिमम ऑर्डर, जैसे कि हमने मिनिमम ऑर्डर वैल्यू हम सेट करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ मिनिमम ऑर्डर, या फिर मिनिमम ऑर्डर या तो कूपन, दोनों में से कोई भी एक ही यहाँ पर अप्लाई होगा तो उसको फ्री शिपिंग मिल जाएगी, या फिर मिनिमम ऑर्डर एंड कूपन दोनों ही अप्लाई करने पड़ेंगे तो ही फ्री शिपिंग होगी। तो हम यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर और कूपन पर सिलेक्ट करेंगे, इस पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे मिनिमम ऑर्डर वैल्यू हमारे कितनी होनी चाहिए वो। हम तो यहाँ पर हम मिनिमम ऑर्डर सेलेक्ट कर देते हैं 499 रुपीज। इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि जब भी हमारा कस्टमर मिनिमम 499 रुपीज की शॉपिंग करेगा या हमारा कस्टमर कूपन अप्लाई करेगा तो ही उसे फ्री शिपिंग मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि कूपन कोड डिस्काउंट के पहले ही अप्लाई हो जाना चाहिए या नहीं, तो इसे हम सिंपली फिलहाल के लिए डिसेबल रहने देते हैं और सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा शिपिंग मेथड यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और ये तो हो गया हमारा फ्री शिपिंग वाले के लिए। एक बार हम फिर से शिपिंग जोन के अंदर आए तो यही सारे ऑप्शन में आपको नेशनल लेवल पर बता देता हूँ, जहाँ पर हमने शिपिंग मेथड में अपने शिपिंग चार्जेस इंक्लूड करे हैं वहाँ पर हम आ जाते हैं। और यहाँ पर हम एक बार आ जाते हैं नीचे की तरफ और इसे भी एक बार हम फ्लैट रेट को ओपन कर लेते हैं। और ये देखिए स्टेटस टैक्सेबल और नॉन, तो इसे तो आपको टैक्सेबल ही रहने देना क्योंकि ये टैक्सेबल रहेगा अगर, और इसमें आपको इस तरह के कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। एक बार मैं आपको एक और शिपिंग जोन क्रिएट करके दिखा देता हूँ और उसमें आपको तीसरा वाला ऑप्शन भी समझा देता हूँ कि वो तीसरा ऑप्शन किस लिए अप्लाई करना रहता है। एड शिपिंग जोन यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं एक नाम कुछ भी लिखने के लिए यहाँ पर लिख दूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर साउथ इंडिया लिख दिया। और यहाँ पर मैं लिखूंगा और यहाँ पर हम कुछ साउथ की यहाँ पर लिख देंगे गोवा, फिर उसके बाद इंडिया और नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं हमारे साउथ में कौन कौन सी, ये हमारा कर्नाटका। फिर इस तरह से हमने कुछ तीन शिपिंग जोन ऐड करे हैं। उसके बाद हम शिपिंग मेथड ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए फ्लैट रेट एंड शिपिंग, वो दोनों चीज़ें हमने बता दी। एंड लोकल पिकअप के लिए आपको क्या है, लोकल पिकअप अगर आप जैसे ही ऐड करेंगे तो लोकल पिकअप में क्या रहेगा, जैसे एक बार मैं यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हम एडिट बटन पर आ जाते हैं। लोकल पिकअप में आपका कितनी कॉस्ट रहेगी, यानी लोकल पिकअप जो आपके घर के आसपास के हैं उन लोकल पिकअप के लिए ये ऑप्शन है। और यहाँ पर देखिए इसमें भी आप इसी तरह से कॉस्ट ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर भी 50 रुपीज़ कर दिया है। और यही सारे दोस्तों अपन ऑप्शन थे हमारे शिपिंग मेथड से रिलेटेड। अभी पहले पार्ट में हमने आपको बताया कि आपको कैसे आपकी वेबसाइट के अंदर टैक्स वाला जो लॉजिक है वो कैसे इंप्लीमेंट करना, और यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपको शिपिंग मेथड में आपका शिपिंग चार्जेस कैसे इंक्लूड करना है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इसके आगे आने वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं, हमारे हमें पूरी की पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं, तो उसके लिए अगर आपने हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे स्टार्टिंग से तो आप उन्हें भी देख लीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। हेलो गाइस, वीडियो खत्म होने के पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। वैसे तो हमने इस वेबसाइट में काफी सारे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आने वाले दिनों में भी वीडियो आते रहेंगे। और वर्डप्रेस के छोटे से छोटे प्रॉब्लम से रिलेटेड, छोटे से छोटे चीज से रिलेटेड हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड आएंगे और ऑलरेडी कई सारे अपलोड हो चुके हैं। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है वेबसाइट वीडियो देख देख कर बनाने के लिए, अगर आप फटाफट से आपकी वेबसाइट रेडी करना चाहते हैं तो आप हमको कंसीडर कर सकते हैं। आप हमारे पास अपना प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी शो हो जाएगी, आप उससे हमको कॉन्टैक्ट कीजिए। तो अगर आप अपना वेबसाइट का प्रोजेक्ट आउटसोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो ये वाली पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को देख सकें और मिस ना कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।